देवेंद्र जी, बांग्ला में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप परिवर्तन यात्रा के लिए बंगाल में आए, रिस्पॉन्स क्या आप पा रहे हैं? जनसंजोग जन समारोह कितना आपका? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और ये जन समर्थन परिवर्तन के लिए है। ये मोदी जी के आवास पर मिलने वाला जन समर्थन है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी देश में जो एक परिवर्तन ला रहे हैं, देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से बंगाल भी उस राह पर जाना चाहिए और इसलिए लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। बंगाल में परिवर्तन का डाक दिया है। अमित शाह जी खुद ये बात बोले थे, जेपी नड्डा जी भी ये बात बोले थे। परिवर्तन सही में हो रहा है, ये परिवर्तन सही में होना शुरू कर रहे हैं? देखिए, हमारे लिए केवल सत्ता का परिवर्तन ये हमारा ध्येय नहीं है। हम राज नहीं, हम समाज बदलना चाहते हैं। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा किसान है, भूमिहर मजदूर है, हमारा जो युवा है, हमारी जो महिलाएं हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाना ये हमारा अंतिम उद्दिष्ट है। उसके लिए राज तक पहुंचना ये हमारा पहला उद्दिष्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी है और लोगों का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है। देवेंद्र जी, एक और बात, बिहार इलेक्शन में आपका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहा। बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, घोषणा होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी का, भाजपा का स्ट्रैटेजी क्या है? आप खुद बंगाल में मौजूद है। नहीं, भाजपा तो बंगाल में पिछले पांच वर्षों से पूरे तरीके से सक्रिय है और अब तो बंगाल उस मूड में आ चुका है। अब देखिए, जब एक पॉलिटिकल मूड बनता है तो कोई स्ट्रैटेजी या कोई नीति, भूमिका, ये चीज़ें नहीं रहती। लोगों ने यहाँ पर परिवर्तन का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उस परिवर्तन का एक प्रतीक बन रही है और मोदी जी उस परिवर्तन की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे अमित शाह जी है, हमारे जेपी नड्डा जी है, ये सारे लोगों के नेतृत्व में बंगाल का यूनिट जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसके कारण एक बड़ी विजय मिलेगी। पर ममता बनर्जी तो बोल रहे हैं देवेंद्र जी कि इस चुनाव उनका है, यहाँ पे उनको ही वोट दिया जाए, बंगाल का वोटर के लिए वो उसका बात रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बंगाल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और देश में कश्मीर रहे इसके लिए बलिदान देने वाले हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और जैसा अमित शाह जी ने बताया कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बाहर से आकर तो बनने नहीं वाला, वो तो पूरा कोरा ठेठ बंगाली जो होगा, यहाँ पर जन्मा हुआ, यहाँ पला बड़ा, यहाँ शिक्षित, यहाँ पे राजनीति करने वाला, यहाँ की समाज नीति करने वाला, ऐसा ही हमारा नेता बनेगा। तो मुझे लगता है कि अब ममता दीदी का ये पैतरा बाहर वाला अंदर वाला चलने नहीं वाला है। चाल चोरी, कटमनी, सिंडिकेट राज, बहुत सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव युद्ध में लगे रहे, इस बार मुद्दे क्या क्या है सर? देखिए, सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तोलाबाजी का मुद्दा है, सिंडिकेट का मुद्दा है, जिस प्रकार से विकास को रोका गया है, जिस प्रकार से बंगाल जो एक ज़माने में भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करता था वो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ गया, ये भी मुद्दा है, CAA भी मुद्दा है, सारे मुद्दे। अब आज जहाँ पे परिवर्तन यात्रा का सूचना किए वहाँ पे अभिषेक बनर्जी हाइपो का राज है, इधर गढ़ मानता है आदमी लोग, पब्लिक मानती है, ये चैलेंजिंग है सर? अब देखिए, अब गढ़ में क्या परिस्थिति है, अब गढ़ में ये परिस्थिति होगी तो और जगह क्या परिस्थिति होती है, आप समझ सकते हैं। उनका वाइफ, उनका सिस्टर इन लॉ के CBI ने नोटिस भेजा। देखिए, CBI अपना काम करता है, वो कोई राजनीतिक बात नहीं होती, CBI अपना काम करता है। पर TMC तो इसके ऊपर BJP का प्रच्छन्न छाया देख रहा है। नहीं, देखो, ये तो जब इस प्रकार से नोटिसेस जाती है और जब गलतियां पकड़ी जाती है तो फिर उस पर राजनीतिक रंग देने का प्रयास होता है, उसी प्रकार से इसको भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल रहा है। बंगाल में एक आखिरी मुद्दा सर, बंगाल का जनता के लिए आपका आज का क्या वार्ता रहेगा? नहीं, मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोनार बंगला जो संकल्पना हमारी आज़ादी के बाद थी, आज सोनार बंगला का सोना कहाँ गया, वो समृद्धि कहाँ गई, उसको वापिस लाना होगा और उसको वापिस लाने के लिए संपूर्ण परिवर्तन यही उसका जरिया है जो BJP के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है।